Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. I hope आपका geometry का paper best bomb गया रहेगा. अगर आपका नहीं गया रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि champion book के अंदर से 2-4 question आए थे. अगर आपने उसको refer कर लिया होता तो वो आपका best हो जाता. But anyways, अगर आपने champion book अब तक का purchase नहीं किया तो definitely download link आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. प्लीज़ जाके डाउनलोड करिए क्योंकि साइंस के MCQs, साइंस के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, सारे कौन से क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स में से आने वाले हैं, उसके अलावा कौन सा ब्रीफ है, कौन से वाले चैप्टर के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा चैम्पियन बुक के अंदर. लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी उसके अंदर सॉल्व्ड है, साथ ही साथ यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके अंदर ही है. आप प्लीज़ जाके डाउनलोड करिए एंड डेफिनेटली उसमें से पेपर आने के चांसेस है. आई बेट यू ऑन दिस बिकॉज साइंस वन पेपर इज अगेन एन ईजी पेपर विच विल बी टर्निंग अप टू यू ऑन दिस कमिंग फ्राइडे. ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं हम लोगों फर्स्ट पेज से क्या देखना है. पेज नंबर वन से दिस नथिंग इंपॉर्टेंट पेज नंबर वन, बट ऑन पेज नंबर टू देर इज सेंट्रीपिटल फोर्स. देखा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बात याद रखना आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको डेफिनेशन आना चाहिए जिससे आपको 1 marks मिल जाएगा. नेक्स्ट पेज पे जब हम लोग पेज नंबर 3 पे आते हैं ना तो वहाँ पर एक खजाना है केपलर्स लॉ के नाम का. राइट, आपको ये बात ध्यान रखना है केपलर्स लॉ जो है इम्पॉर्टेंट लॉ है. तीनों भी डायग्राम आपको बराबर आना चाहिए, आई एम सो सॉरी, वन डायग्राम और तीनों भी लॉ आपको बराबर आना चाहिए. इसको स्किप मत करना, ये बार बार रिपीटेडली पूछा जा चुका क्वेश्चन है. इसको स्किप करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे. विच आई डोंट वॉन्ट कि मेरे चैम्पियंस के साथ में ऐसा कुछ भी हो. राइट, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज पर जब आते हैं तो पेज नंबर 5 पे स्पीड का फॉर्मूला है. बोलो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ऑल राइट, तो ये भी आपको मिस आउट नहीं करना है. और उसी पेज पर सबसे टॉप पे ब्लू बॉक्स देखा आपको, वो ब्लू बॉक्स को स्टार कर दो क्योंकि साइंस का पेपर है. ये भी ज्योमेट्री अलजेब्रा के जैसे एक्टिविटी बेस्ड ही रहने वाला है. जितने सारे एक्टिविटी वाले डब्बे हैं, थिंक मी, रिकॉल, लेट अस नो, ये सारे डब्बे इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. व्हेन आई मूव फॉरवर्ड पेज नंबर 6 पे यू विल गेट अ पिंक कलर बॉक्स. लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आते कैसे हैं, होते कैसे हैं, कौन उसको प्रोड्यूस करता है, वो सारे क्वेश्चंस आपको उसी पिंक वाले डब्बे में से मिल जाएंगे. ऑलराइट, जब मूव ऑन करता हूँ मैं आगे, हम लोग अभी डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पार्ट के ऊपर. क्वेश्चन पार्ट आपको अच्छे से रिवाइज करना है. इसके आप अगर न्यूमेरिकल्स को अगर आप पढ़ लेते हो या आपको इजीली इसको सॉल्व करने आता है, आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो. बट अगर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप सॉल्व करिए. पर अगर आपको लगता है कि मैंने अब तक नहीं किया है, मैं लास्ट मिनट पर क्यों इसको सॉल्व करूँ, तो उसको आप स्किप कर सकते हो. ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ूँगा, वी हैव गॉट दिस पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पे वी हैव गॉट दिस मैच द कॉलम. Also along with that question number 2B. All right. तो यहाँ पर उसके आगे we have got question number page number 15 पे question number 3. Explain why the value of G is 0 at the center of the earth. That you should be able to define it. This can be a 3-mark question on which I do not want you to lose a mark of even one. All right. फर्स्ट चैप्टर के आपको सारे इंपॉर्टेंस मिल गए हैं. सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव will help you gain again good marks. All right, उसको star out कर लीजिए. आगे जब मैं बढ़ता हूँ, we have got page number 20. Page number 20 पे demerits of Mendeleev periodic table है. All right, demerits तो आपने पढ़ा ही रहेगा बहुत सारे बार Mendeleev का. Yes, demerits के points भी important है और ये board exam के perspective से 3-mark question है. ओके, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बारी. एंड मेरे चैम्पियन शेयर है, मैं उन लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ कि उन लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारे चीज़ उन लोग को एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट भी होगी. यस ऑर नो? जैसे आज ज्योमेट्री का पेपर आया था ना, जो जो पढ़े थे वही आया था ना. एग्जैक्टली, विल मूव ऑन फर्दर अहेड. ज्योमेट्री का पेपर एक्चुअली हार्ड था तुम लोग का, बट एक्टिविटीज़ ने उसको बहुत ईजी बना दिया. यस और नो? क्योंकि लास्ट में आके क्वेश्चन में थोड़े तुम लोग अनबैलेंस्ड हो गए. यस, तो चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 29 पे. 29 पे वी हैव गॉट राइट साइंटिफिक रीजन. एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड.
इसको भी आप साइंटिफिक रीजन को ए को प्लीज मार्क कर लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट. नाउ जब व्हेन आई मूव ऑन टू दिस न्यू चैप्टर ना कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैं आपको बता दूं नीचे वाला जो डब्बा है कितने मार्क्स के लिए आया था. एक बारी 3 मार्क्स के लिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको आइडेंटिफाई करना था. कितना ईजी है ना, अगर आपको इतना छोटे से काम करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाए तो आप डेफिनेटली इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, विच विल हेल्प यू गेन हाउ मच मार्क्स, 3 मार्क्स, राइट. व्हेन आई मूव फर्दर अहेड, आपको ये चैप्टर के अंदर से इक्वेशंस आएंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है पेज नंबर 38 पे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, ओके. उसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कैटलिस्ट का मतलब क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, यस और नो, तो ये आपको इसका डेफिनेशन 41 पेज नंबर का आना चाहिए, ऑलराइट. एंड जब मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर इसी पेजेस में वी हैव गॉट रैंसिडिटी ऑन पेज नंबर 45. रैंसिडिटी इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गिव रीजन पॉइंट ऑफ व्यू. गिव रीजन से आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जो आपको एक बार ही रिवाइज करना है कि आप इतने टाइम से वड़ा पाव वाले के पास जाके वड़ा पाव खाते हो गए, समोसा पाव वाले के पास जाके कुछ भी खाते हो गए, तो आपने देखा रहेगा कि लोग एक ही तेल के अंदर बार बार वही तेल वही तेल वही तेल डाल के सालों साल तक वही तेल के अंदर हम लोग को वड़ा पाव खिलाते हैं. तो इससे क्या हो जाता है, तेल को रैंसिडिटी हो जाती है, यस और नो. तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला चाहिए गिव रीजन के फॉर्म में. सम नंबर ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर वाइट एंड राइट ऑन द केमिकल रिएक्शन. में आपको क्या करने का, अच्छे से पेज नंबर 45 वाले क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से सॉल्व करना, ये 5 मार्क क्वेश्चन है. और आई डोंट वॉन्ट कि आपका एक मार्क्स भी चला जाए इसमें, पेज नंबर 45 में सम नंबर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, गिव रीजन में आप मार्क कर लीजिए, इट टेक्स टाइम फॉर पीस ऑफ शाहबाद. और डी क्वेश्चन, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑलराइट, हम लोग यहाँ पर आने के बाद में पेज नंबर 46 पे जाते हैं. पेज नंबर 46 पे यहाँ पर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल अबाउट, यस, मैच द कॉलम विद द परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट. तो 4 ऑप्शन है अपने पास, यस और नो. तो यहाँ पर आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, यस. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर में वी हैव योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंग्विश, यस और नो. इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिस्टिंग्विश आ सकता है आपको, या वॉट इज, वन मिनट, आई जस्ट मूव ऑन टू दैट पेज. राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन आ सकता है, वॉट इज राइट हैंड थंब रूल, यस. सॉलिनॉइड पेज नंबर 54. देन यर ऑल्सो अगेन वी हैव ऑन पेज नंबर 55 थंब रूल्स, यस. आगे जब मैं बढ़ूंगा वी हैव गॉट गैल्वेनोमीटर ऑन पेज नंबर 57, यस. पेज नंबर 57 में गैल्वेनोमीटर तो है अपने पास. और आगे जब मैं बढ़ रहा हूँ पेज नंबर 60 पे वी हैव गॉट दिस पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर. ऑल राइट, ये आपको एक बार ही क्या करना है, डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर आपको ये आता है इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर तो आपको ये लिखने आएगा, यस और नो. जब मैं आगे बढ़ता हूँ गिव साइंटिफिक रीजन, वी हैव गॉट नंबर 1 in the electric equipment producing heat, example iron. Did you get that? Isko mark kar lo, important. And D, in practice the unit kilowatt hour is used for measurement of electric energy rather than joule. Okay? What is solenoid ko maine already tum log se mark karwa liya hai. Niche wo 3 diagram dikh rahe hai aapko, identify the figure and explain the uses. Yes or no? ये डायग्राम काहे का है, ये डायग्राम काहे का है पेज नंबर 61 पे. आपको उसको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है. मूव ऑन करूँगा मैं चैप्टर नंबर 5 हीट पे, वी हैव गॉट पेज नंबर 63 में आपको दिख रहा है टेम्परेचर ग्राफ है 5.2, यस और नो. वो टेम्परेचर ग्राफ को आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, वो बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं. रेगुलेशंस, रेगुलेशन वाला भी प्लीज़ उसको डेफिनेटली कर लीजिए मार्क. पेज नंबर 65 पे वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस क्वेश्चन, दैट इज अनलॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर होप्स अपैरेटस. ऑलराइट, इसको अच्छे से एक बार मार्क कर लीजिए.
देन वी हैव पेज नंबर 66 में वी हैव गॉट टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ दैट इज इम्पॉर्टेंट प्लीज मार्क इट एंड आपको ये एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर के फॉर्म पे एक्वेटिक एनिमल इन कोल्ड रीजन में एनिमल्स कैसे रहते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए ऑलराइट देन व्हेन आई मूव फॉरवर्ड वी हैव गॉट ऑन पेज नंबर यस 71 में मैंने वही क्वेश्चन मार्क किया है जो मैंने आपको पूरे लेसन में बताया हुआ है पेज नंबर 71 में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 5 2 7 7 में देर इज ए क्वेश्चन एंड देर इज डी क्वेश्चन ए एंड डी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से मार्क करना है ऑलराइट जब मैं आगे जाता हूँ वी हैव गॉट चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पेज नंबर 74 में यू विल गेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए इट इज इम्पॉर्टेंट देन वी गॉट ऑन 75 पेज नंबर 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलराइट दैट इज टू बी स्टार्ड मूविंग फर्दर हेड ऑन पेज नंबर 77 वी हैव गॉट अ प्रिज्म क्वेश्चन दैट अगेन हैज टू बी स्टार्ड ऑलराइट ऑन 78 पेज नंबर वी गॉट रेनबो प्रोडक्शन मार्क इट इम्पॉर्टेंट And we come on to the conclusion of exercise of the same chapter. Now in the exercise part, the question which are given in the form of numericals are comparatively easier than any of the other chapters, I must tell you champions. If it comes from first chapter and 10th chapter, you might be roasting your mind here. Or you might be roasting your brain. But from this chapter, if you are practicing it, definitely it will be scoring and it would be helpful for you. To get a confidence that numericals agar ye wale chapter se aata hai to it's just a work of my right hand I'll be easily doing it all right then we have got new chapter called lens mein what we are going to mark is images formed by convex lens dekha aapko page number 82 pe images formed by convex lens aapko udhar mark karna hai इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस तीनों भी इंपॉर्टेंट इमेजेस है उसके बाद में ऑन पेज नंबर 83 वी हैव गॉट दिस फुल बॉक्स यस ऑर नो एट इन्फिनिटी 2F1 बिटवीन F1 एंड 2F1 एट फोकस बिटवीन F1 एंड 0 दैट यू नीड टू बॉक्स आगे जब मैं बढ़ूंगा वी हैव गॉट पेज नंबर 85 पे दैट इज मैग्निफिकेशन आंसर दैट यू नीड टू स्टार अप ऑलराइट When I'll move further ahead, we have got page number 87. 87 pe we have got while seeing object question. So there's a human eye question, right? Human eye question carries importance in the form of objectives. They can ask you anything on the basis of cornea, pupil, what is, eyelids, iris and all that things. So ye aapko kya karna chahiye? Explain karne aana chahiye. Moving further ahead, we have got two major important answers which can be bouncing up in the paper only and only for 5 marks straight. I do not want you guys to even lose a single. That is myopia, which have been asked since ages, even before dinosaurs were there. These questions were asked. These questions have been coming into board exam paper right from the time Maharashtra was invented from 1st May 1960, I guess. yeah, so you cannot at all lose marks. ये वाले answer myopia और hypermetropia में आपको कौन से भी तरीके से question पूछे जा सकते हैं Champions, मैंने बहुत सारे video बनाया है जो आपको आज या कल में मिलेंगे जिसमें से एक जो है video ये इस chapter का भी है जिसमें question word problem के form में भी आ सकते हैं question activity के form में भी आ सकते हैं question आपको directly डायग्राम के फॉर्म में भी आ सकते हैं आप उसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करिए ऑलराइट आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो हम लोग को यहाँ पे मायोपिया हाइपोमेट्रोपिया समझ में आया वैसे ही पेज नंबर 89 पे आएंगे तो प्रेस बायोपिया करके क्वेश्चन है प्रेस बायोपिया में आपको मार्क करना है कि प्रेस बायोपिया का मतलब क्या है आई नो कि आपको इसको सब कुछ पता रहेगा एंड डेफिनेटली आगे जब हम लोग बढ़ेंगे We have got which page number here? 91. Okay. Coming on to the exercise part of the same chapter 7th. आपको मैं बता दूँ यहाँ पर question number 2, question number 4. Give reason में से we have got question number C, important 4C, question number 5, question number 7,
And question number 8. These all are the important questions. Moving further ahead, we move on to page number 94. 94 pe we have got physical properties of metal. Dikha aapko physical properties and physical improperties properties of non-metals. Yes or no? Properties of metal and properties of non-metals. Distinguish karke aa sakta hai. Yes or no? So make sure karna aap usko ek bari short note ke form pe revise kar lo. 8th chapter metallurgy jo hai और 9th चैप्टर कार्बन कंपाउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चैप्टर है. ऑलराइट, तो मैं बता दूँ आपको कि वहाँ से भी क्वेश्चंस जो आएंगे वो कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ऑलराइट, व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स सिंस लॉन्ग टाइम एंड देयर वर नो इजी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. अंडरस्टूड? एंड जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को बताना है यहाँ पर पेज नंबर 97 में ये क्वेश्चन इजी है अगर आपने पढ़ा रहेगा तो, कि ये डायग्राम है रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. इसके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, एक्टिविटी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको पता है ना उन्होंने इसका वो बनाए थे, शॉर्ट फॉर्म बनाए थे, येस ऑर नो? PSLC मस्जिद, येस ऑर नो? तो ये आपको बराबर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए फॉर गेनिंग गुड मार्क्स. ऑलराइट, देन वी व्हेन वी मूव फर्दर अहेड, देन वी व्हेन वी मूविंग ऑन टू पेज नंबर 101, वी गॉट बेयर्स प्रोसेस. बेयर्स प्रोसेस आपको दिखेगा, उसके आगे जाके हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 103 पे बॉक्साइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ अलुमिना ऑन पेज नंबर 104. ये सारे इंपॉर्टेंट, एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आप जितने भी स्टार्स मार सकते हो, स्पेशली आप उधर में मारिए जहाँ पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ अलुमिना, because it carries marks. All right, functions of corrosion and prevention of corrosion. ये prevention of corrosion में very very important इसके लिए दिया है, क्योंकि यहाँ से question आपको objective form में आते हैं, what is galvanizing, what is anodizing, what is tinning, electroplating and all that. तो I don't want that you guys to even lose a single marks. तो ये बस आपको अच्छे से mark करना है, important. All right, then when I move further ahead, We will come to a very new chapter that is called carbon compounds. Okay, carbon compounds में से activity based questions ही आता है ज़्यादा करके. अगर question आ जाते हैं functional group वाला question आ सकता है, homologous series वाला आ सकता है, या distinguish between saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. ये सारे questions जो ऐसे questions हैं जो आपको directly answer the following के form में आएंगे, वरना तो ज़्यादा करके यहाँ पर सब कुछ जो आता है वो एक्टिविटी फॉर्म में ही आता है. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन क्या है. ओके, देन उसके अलावा पेज नंबर 121 पे आएगा तो डब्बा दिख रहा है आपको, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपीन, वो इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर IUPAC 123 में IUPAC वाले क्वेश्चंस है, वो इंपॉर्टेंट है. 9 में से कौन से ऐसे क्वेश्चन है 10 में से जो ज़्यादा बार रिपीट हो गए हैं वो आपको पढ़ना है. इसका भी मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, आपने एक बार ही उसको रिवाइज कर लेना है. ओके, देन व्हेन आई मूव फर्दर अहेड, वी हैव गॉट पेज नंबर 127 में नहीं है. यस, आई हैव मार्क्ड ओनली दैट इंपॉर्टेंस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ओनली दैट क्वेश्चंस हैव बीन पॉप्ड अप हियर. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाटएवर थिंग्स आई फाइंड आउट व्हिच इज वेरी वर्थ शेयरिंग विद यू, आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद यू इन द चैंपियन बुक. इफ यू हैव नॉट गॉट एडिशन ऑफ चैंपियन बुक येट, यू मस्ट श्योरली गेट इट, बिकॉज मैं बाहर से आपको पूरा हेल्प कर सकता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है. जितना मैं वीडियोस बना के यहाँ पर ऑन द स्पॉट डाल नहीं सकता हूँ, आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मेरे चैम्पियन बुक में मिल जाएंगे. अगर आपने अब तक का नहीं लिया है, डेफिनेटली इसको ले लीजिए, क्योंकि वहाँ ही से आपको सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं मिलने वाले हैं आपको. ऑलराइट, जब मैं पढ़ता हूँ ये वाले पेज में, पेज नंबर 134 पे, 134 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलराइट, जब मैं आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर, जैसे 10th चैप्टर स्पेस मिशन चैप्टर में, ये बात याद रखिए कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा डिफरेंट फॉर्मेट में. ऑलराइट, इट कैन बी आंसर द फॉलोइंग, इट कैन बी कंप्लीट द चार्ट, इट कैन बी इन एनी वे, इट कैन ऑल्सो बी अ न्यूमरिकल क्वेश्चन. वॉट वुड यू डू? यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट वट एवर यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द ईयर, यू विल ओनली फोकस ऑन दैट थिंग्स.
Learning something new at the point where you're about to go to a war zone is not worth it. You need to polish up what you have already been doing. All right. So make sure that you are going to be just focusing on whatever things you have done. Now, marking important over here, all these pink boxes and extra other color boxes is what is you are going to put your eyes onto. All right. Then when I'll move further ahead on page number 136, we have got this big chart. Yes or no? Ye chart ko aapko kya karna hai ek baar hi acche se revise kar lena hai. Okay, INSAT, GSAT, IRSS ka full form kya hai. And on page number 137, I'm sorry, we have got this type of satellite ka big tabular format information. Isko maine explain karke ek acha video mein present kiya hai. Video aapko aaj ya kal mein mil jayega for sure. But surely aap us video ko acche se dekh lena ek baar hi. क्योंकि वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, मैंने उसको प्रेजेंट करके ये वीडियो बनाया है. तो एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को एग्ज़ाम में लिख सकते हो. व्हेन आई मूव फर्दर अहेड ऑन पेज नंबर 140, वी हैव गॉट अ बिग रॉकेट डायग्राम. राइट, रॉकेट डायग्राम मैंने वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इसके लिए मार्क किया है क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा वो डायग्राम तभी तो आप समझ पाओगे ना कि रॉकेट उड़ता कैसा है. और अगर ये आपको खुदा ना खास्ता दे दिया एग्ज़ाम में और आपने अगर इसको रिवाइज ही नहीं किया रहेगा तो आपके अगर 2 मार्क्स भी चले जाते हो तो बहुत बड़ी गम की बात है. ये सो नो, तो इसको एक बार ही आपको रिवाइज करना है कि सबसे ऊपर जो रहता है वो सैटेलाइट रहता है और जो चार जो रहते हैं वो चार लाइन्स क्या रहते हैं, फ्यूल के टैंकर्स रहते हैं और नीचे इंजन रहता है उसको नीचे से उड़ाने के लिए ऊपर. ये सो नो, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता है ना पेज नंबर 141 पे वहाँ पर पिंक बॉक्स में दिया हुआ है डिस्टेंस कितना है मून से अर्थ के बीच का. यस और नो, तो हम लोग इसको एक बार ही रिवाइज कर लेंगे. ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पेज नंबर 142 से. मेक श्योर करना हम उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो विदाउट लूजिंग एनी ऑफ योर टाइम एंड यू शुड गेन मार्क्स इफ एनीथिंग कम्स फ्रॉम दैट बॉक्स क्वेश्चन. स्पेस डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब कचरा जो स्पेस में घूम रहा है वो भी रिवाइज कर लिया आपने तो आपको मार्क्स मिल जाएगा. ऑलराइट, आई होप आपको ये पूरे इंपॉर्टेंस समझ में आ रहे हैं जो टेक्सचुअल है. टेक्सचुअल इंपॉर्टेंस मेरे को आपके साथ में शेयर करना इतना ज़रूरी लगता है क्योंकि आप ऐसे हो जो शायद से क्लासेस जाते हो या ट्यूशन पढ़ते हो या कुछ भी करते हो, बट मेरा जो चैनल है ये अमरावती और बहुत सारे बैकवर्ड जोन में भी लोग देखते हैं. आई रियली फील प्राउड दैट मैं किसी ना किसी तरीके से किसी को भी हेल्प कर पा रहा हूँ और सबके पास टेक्स्ट बुक क्योंकि अवेलेबल रहती है तो मुझे लगता है कि मुझे टेक्स्ट बुक से ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए. ऑलराइट, आई होप आपको ये पूरा वीडियो याद रखना समझ में आ रहेगा. और ज़्यादा हेल्प चाहिए आपको तो चैम्पियन बुक डेफिनेटली डाउनलोड कर दीजिए, वो ऑलमोस्ट अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप उसको डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हो. Alright, until we meet for the very next time, make sure करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको काई के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करके उसके ऊपर वीडियो बनाकर दे सकता हूँ. Alright, until we meet, all the very best. Thank you.